नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मैंने अभी तक 45 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मरकरी। चार ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का कि आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन स्वयं से लगाइए, आंसर देंगे आप। आंसर आपका सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये मेरी आपको सलाह है कि आप जितने भी क्वेश्चन करिए, आप मैं सभी वीडियोज़ में 15-15 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। तो आप वीडियोस को पहले, जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो, आप जब वीडियो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाइए। स्वयं से लगाएंगे आप तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप स्वयं दूसरा क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 में जो इसका आंसर जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। आंसर इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से आंसर देना है। स्वयं से आंसर देंगे आप तो ये आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 24, 52, 56, 70। तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 तत्व थे न्यूलैंड के समय में जो ज्ञात किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग। 49, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त, वर्ग, घना, आयाम। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है, आपको ऑप्शन स्वयं से चूज करना है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त, वर्ग, घना, समूह। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? जब मेंडलीव थे तो उस टाइम इसमें लिखा हुआ है कि जितने तत्व थे उनकी संख्या क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए में 52 है, बी में 56 है, सी में 63 है और डी में 72 है। तो आपको ऑप्शन नंबर 51 का आंसर देना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जब आप आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे, पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करेंगे, तब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या होता है वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। आंसर आपको देना है स्वयं से। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 6 अक्रिय गैसेस होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो इसमें आपको देखना है 0, 1, 2, 3, चार ऑप्शन है, स्वयं से चूज करिएगा आप। ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आपको बहुत ही फायदा इससे मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्रिय गैसों की संयोजकता नहीं होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में जो गैस होती है वो होती है आर्गन, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, घनात्मक इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। ये घनात्मक लिखा हुआ है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। अब इसमें देखेंगे कि आंसर कौन सा जाएगा, आप स्वयं से लगाने का प्रयास अवश्य करिएगा। ये मेरा सजेशन है आपको, ये मेरी सलाह है आपको कि आप ऐसा जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? अधातुओं को धातुओं से, धातुओं को अधातुओं से, अधातुओं को अधातुओं से, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन इसमें से सही है, आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धातुओं को अधातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कैसे होती है? समान, असमान, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का वो होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, समान। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। दीजिए आज मुझे इजाज़त, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।